जय हिंद स्टूडेंट्स। चलो चालू करते हैं अपन सेशन को अपने। सो द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। द हिंदू के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं तो वो हम डिस्कस जो है वो करेंगे। रोल्स रॉयस नाम सुना होगा आपने, क्या चीज है ना, एक दिन खरीदनी है। गवर्नमेंट ऑफिसर बन के नहीं खरीद पाओगे, दूसरे के नाम पे लेनी पड़ेगी। ले तो लोगे नो डाउट, बट दूसरे के नाम पे जो है भरेगी। अब देखो रोल्स रॉयस के ऊपर जो है वो केस जो है वो चला है। अभी किस टाइप का जो है वो केस है, अब देखो रोल्स रॉयस को जो है वो ग्राफ्ट चार्ज में बुक किया हुआ है। अब यहां पर आप लिख लो अपने पास ग्राफ्ट चार्ज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ्ट, ग्राफ्ट चार्ज क्या होता है ये ग्राफ्ट चार्ज, एक दिन और बताया था मैंने। ग्राफ्ट चार्ज किसको बोलते हैं हम लोग, ग्राफ्ट चार्ज कौन बताएगा, व्हाट इज दिस, ये ग्राफ्ट चार्ज है क्या बताइए। करप्शन हिंदी में तो सीधे सीधे शब्द है उसका, हम लोग को देखने को मिलता है ना। ग्राफ्ट चार्ज मतलब करप्शन का, अगर कोई बोले कि ग्राफ्ट चार्ज जो है वो क्या होता है, करप्शन का। तो रोल्स रॉयस, एक और चीज आपको बता दें कि रोल्स रॉयस जो है वो इंजन भी बनाती है, एरोप्लेन वगैरह के जो है वो इंजन बनाती है, और ये इवन जो डिफेंस फोर्स है यूनाइटेड स्टेट्स की उनको भी जो है इंजन प्रोवाइड कराती है। तो अभी हुआ ये था कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग थे करप्टेड लोग, जिन्होंने जो है वो रोल्स रॉयस के साथ कंपनी के साथ जो है वो मिलकर अपनी डिफेंस जो है ना डिफेंस मिनिस्ट्री उसको चूना लगाने की जो है वो कोशिश करी, तो उस पर जो है वो कार्रवाई जो है वो चल रही है। तो इसलिए टॉपिक हम लोग एक छोटा सा जो है वो न्यूज में देखने को मिला था। तो इसकी एक जनरल आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि रोल्स रॉयस को जो है वो ग्राफ्ट चार्ज के लिए बुक जो है वो किया गया है, राइट क्लियर। तो एक छोटी सी ये न्यूज थी। अब मणिपुर में जो है वो क्या घटना चल रही है किसी को पता है, वो जाति का नाम बताओ, वो इंपॉर्टेंट है। मेतेई, मेतेई बोलते हैं, मीटी या मेतेई, मेतेई ट्राइब, करेक्ट, ये याद रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में लगातार ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाने की संभावना है हर एक एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये टॉपिक हॉट चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है। अमित शाह अभी गए हुए हैं इनको शांत कराने के लिए, है ना, राइट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। तो मणिपुर के अंदर बहुत सारी ट्राइबल ग्रुप्स होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक मेतेई ट्राइब है और एक है कोकी, कोकी ट्राइब, और एक है नागा ट्राइब। नागा ट्राइब बेसिकली नागालैंड की है बट वो मणिपुर में भी एस्टैब्लिश है, ये लोग विरोध कर रहे हैं इनका, तो ये फैक्ट आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ये किस चीज की डिमांड कर रहे थे मेतेई लोग, एग्जैक्टली शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति में इनको जो है वो स्टेटस सही है इसका, राइट, शेड्यूल ट्राइब का, बिल्कुल सही उषा। अब देखो अभी आपको एक केस पता लगा दिल्ली का, है ना, बहुत खतरनाक है ना, ये बड़ा मतलब शॉकिंग चीज है कि लोग जो है वो, आप देखिए ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है, मानवता एक प्रकार से अपन देखें तो वो चीज है वो खत्म हो चुकी है पूरी तरह से, राइट। आपके सिविल सर्विसेज के अंदर जीएस पेपर फोर में इस प्रकार की कई बार जो है वो चीजें आ जाती हैं, केस स्टडी वगैरह, राइट, सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे दूसरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो कितनी क्रूरता है यार। मतलब इसमें काफी सारी जगह पर लिखा था कि 20 बार स्टैबिंग करी है, सर के ऊपर चाकू मारा है 20 बार, वैसे 40 बार मारा था ऐसा कुछ लोग का कहना है। बट डू यू थिंक दीज आर इडियट्स, जो आप आजू बाजू लोग आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ वीडियो जो बना रहे हैं, अरेंट ये इडियट, बेवकूफ लोग नहीं है ये, कि क्या कर रहे हैं ये। एक लड़का जो है वो किसी को जो है मारपीट कर रहा है इतनी क्रूट तरीके से, पांच लोग जाकर उसको दबा नहीं सकते थे, अरे दूर से एक पत्थर ही फेंक देते उसको तो भी उसको लगती थोड़ा बहुत अटैक उसका कम होता, फिर उसको कंट्रोल कर लेते, अलंगे भी मारे उस लड़की के सर पे, मतलब इतनी इतनी हाँ वही इतनी क्रूर हरकत जो है वो हुई है दिल्ली के अंदर कि अपन सोच नहीं सकते। और ये सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हमारी सोसाइटी ध्यान नहीं देती है, हमारी सोसाइटी कैसी है कि अरे उनका मैटर वो समझे, जाने दो किसी की जान। उसके फादर का स्टेटमेंट था इस लड़की के कि अगर आसपास के कुछ लोगों ने अगर जो है वो एफर्ट्स लगा लिए होते तो मेरी बच्ची बच गई होती शायद। ये सब गलतियां हैं इनिशियल एज की, 16 साल की लड़की है, राइट, इनिशियल एज क्या होता है, इस इनिशियल एज में हार्मोन जो है वो डेवलप होते हैं, राइट, अपोजिट सेक्स के लिए, अब उसके कारण जो है वो लव वगैरह और ये सब चीजों में लोग जो है पड़ जाते हैं बिना देखे कि कौन किस साइको लेवल पर जो है जा सकता है, क्योंकि हर एक इंसान का साइको लेवल आपको नहीं पता कब जो है वो आ जाएगा, क्या चीज उसके दिमाग में जो है आ जाएगी किसी के प्रति, राइट, क्योंकि ह्यूमन है। बहुत बुरी न्यूज सी है। डल लेक कहां पर है, क्वेश्चन है छोटा सा, डल लेक कहां पर है, बहुत फेमस लेक है डल लेक, कौन बताएगा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में है डल लेक, लिख लो जम्मू एंड कश्मीर, कौन सी नहीं, डल लेक तो वहां की फेमस है एक, ऐसा नहीं आइडिया मुझे, बस सर्च करके बताना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही है आपको उस पर जो है फोकस करना है। किसी ने ये दल बदल विरोधी कानून के बारे में पढ़ा, एंटी डिफेक्शन लॉ, पॉलिटी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
आपको पॉलिटी पढ़ाई होगी जीएस के अंदर, तो ये टॉपिक है, ये लिख लो ये टॉपिक अपने पास, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल के अंदर आता है, 10वें शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आपको लिखना है, ये टास्क है आपका, ये पढ़ना है इसके बारे में आपको। वैसे मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं ये चीज जो है वो कवर अप कराऊंगा, जो भी चीज न्यूज में आ रही है ये चीज हमारे लिए बहुत काम की है। करंट अफेयर्स को सिर्फ अपन को करंट अफेयर्स न्यूज के तौर पर नहीं देखना है, जनरल स्टडीज के तौर पर मेनली देखना है। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल के अंदर जो है वो आता है, इसको रिवाइज करना है जो भी स्टूडेंट्स, हालांकि मैंने पॉलिटी में कवर करा दिया था, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं करवाया वो फिर से पॉलिटी आएगा तो हम कवर अप करेंगे। इसमें होता है कि मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी के जब कोई सदस्य एक अपनी पार्टी को छोड़कर जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसको जो है वो नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको अपने पद को जो है वो फिर छोड़ना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है, यानी कि उसको निकाल दिया जाता है। हाँ, वो ये सेम चीज है, राइट। फिर दोबारा से वो इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वो खड़े होकर वापस आ सकते हैं, बट उनका वो जो इलेक्शन जो जीते हैं उसको नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू। या नाम से समझ में आ रहा है, दल बदल विरोधी कानून, आया राम गया राम का ये केस है, ये जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी 9th क्लास की, 9th या 10th क्लास की, तो उसमें आपको ये चीज है वो मिलेगी। ये कानून है ना, लॉ है, लॉ मतलब कानून, एक कानून बनाया हुआ है एंटी डिफेक्शन, कोई भी दल बदल करेगा तो वो कानून बनाया हुआ है कि ऐसा ना करे कोई, एंटी है ना, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट, एक एडिटोरियल आया है, अभी कर्नाटक के अंदर इलेक्शन हुए हैं, आपको पता है कर्नाटक के अंदर है ना, कांग्रेस जो है वहां पर जो है वो कर्नाटक के अंदर जीत गई है। तो अब इसमें एक सबसे बढ़िया चीज जो है वो यहाँ पर कर्नाटक में ये हुई कि एक आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक सोसाइटी का जो है वो नाम लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक कैंपेन है, एडेलू कर्नाटक, ये कैंपेन का नाम लिख लो एडेलू कर्नाटक, या फिर क्या पता ऐसा आ जाएगी एडेलू कैंपेन जो है वो कहाँ का कैंपेन है, तो आपको ध्यान में रखना है कर्नाटक का कैंपेन है। ये कैंपेन फोकस कर रहा है जितनी भी सिविल सोसाइटीज होती है ना, ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स जैसे एनजीओ वगैरह हो गए, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो गए, सोशल ग्रुप्स हो गए, ये लोग मिले हैं और इन्होंने फोकस किया एक चीज के ऊपर कि लोग जो है वो, जैसे कई बार ऐसा होता है ना इलेक्शन के समय पर लोग पैसे लेकर जो है वोट डाल, ये कैंपेन ऐसा था जिसमें अवेयरनेस क्रिएट की गई कर्नाटक के लोगों के लिए कि कर्नाटक के लोग जो है वो सच्चाई को देखकर ही मतलब जो है वो वोट डालें कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है तभी जो डेवलपमेंट करेगा और उसका पास्ट रिकॉर्ड जैसा है उस आधार पर जो है वोट डालो। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सी चीज थी। देखो इसमें लिखा है पावर्स ऑफ पीपल्स डेमोक्रेसी, ये चीज जो है वो बताई हुई कि मतलब जो लोकतंत्र जो हमारे यहाँ खत्म होता जो है जा रहा है ना, तो उसको बचाने के पर्पज के लिए जो है ये कैंपेन जो है वो शुरू किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रीलिम्स में भी आ सकती है, राइट। जो वोटर्स हैं, मतदाता जो है उनकी चेतना को बढ़ाने के पर्पज के लिए जो है ये कैंपेन जो है वो शुरू किया गया। तो ये कैंपेन आपको जैसे कि होता है ना कम्युनल एजेंडा पॉलिटिकल पार्टी रखती है सामने, मतलब कि धर्म के आधार पर जो है वोटिंग, यानी कि किसी पर्टिकुलर धर्म को वो टारगेट करते हैं, बोलते हैं ना कि रिलीजन जो है वोट बैंक है पॉलिटिकल पार्टीज का, तो उसको रोकना है कि भाई वो लोग ये सब चीजें रिलीजन के आधार पर वोट मत डालें। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि काफी सारी पॉलिटिक्स ऐसी होती है वो विभाजनकारी होती है, डिवाइड करने वाली होती है कि लोगों के बीच में जो है वो डिविजन नहीं क्रिएट करती सोसाइटी के अंदर, राइट। तो उसको रोकने के पर्पज के लिए कैंपेन जो है वो लाया गया। तीसरा, हेट कैंपेन्स, कई बार एक नेता जो है वो दूसरे नेता के बारे में हेट स्पीच जो है वो दे रहा है या किसी कम्युनिटी के बारे में हेट स्पीच जो है वो दे रहा है, तो उससे क्या होता है दंगे भी कई बार जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये कर्नाटक का इलेक्शन काफी अच्छा हुआ इस बार बिकॉज ऑफ दिस कैंपेन, जो एडेलू कैंपेन, ये आपको ध्यान रखना है एडेलू कैंपेन, ये चीज जो है वो आ सकती है एग्जामिनेशन में, राइट। अब देखो नेक्स्ट कुछ चीजें हम लोग को न्यूज में जो है वो देखने को मिली, और इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो है वो गिरावट आई है। अच्छा, ये चेंज नहीं हुआ आपके पास, एक मिनट रुकना। स्लाइड चेंज क्यों नहीं हुई, हाँ। अब आप देखो पहला कॉर्नर पे जो है वो देखो, आप पहली न्यूज आपको जो है वो क्या नजर आ रही है कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो है वो गिरावट आई, राइट, जनवरी से लेकर मार्च के महीने में। ये वैसे एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ यार अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब कि बेरोजगारी जो है वो इंडिया के अंदर कम हो रही है, दैट मींस कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जो है वो अब शुरू हो गया, राइट। दूसरा पॉइंट हम लोग को एफडीआई क्या होती है, एफडीआई इंडिया के अंदर एफडीआई का फ्लो जो है वो गिर गया है, तो क्या ये अच्छी न्यूज है या पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है। इंडिया के अंदर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग जो है बोलते हैं, है ना, एफडीआई, तो इंडिया के अंदर एफडीआई जो है वो कम हुई है, तो क्या ये पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है। नेगेटिव, एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है बाहर से, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, हमारे यहाँ फॉरेन की तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, राइट। तो दैट मीन्स कि हमारे लिए एक नेगेटिव न्यूज ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, इस पर हम लोग को काम करना है, राइट। तो न्यूज़पेपर का मतलब ऑब्जेक्टिव जो है ये होता है कि आप न्यूज़पेपर से एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो कि देश में क्या चल रहा है, राइट। फिर नेक्स्ट हम लोग को शंघाई, शंघाई
कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होगा, एक काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। अब शंघाई एक सिटी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है चाइना में, यहाँ पर हॉटेस्ट मे डे 100 सालों में सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर नजर आई, तो गर्मी हो रही है, दैट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज का ये इफेक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट? यस, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। नाइजर, नाइजर कंट्री कहां पर है किसी को पता है? नाइजर कंट्री, नाइजीरिया नहीं, नाइजर, अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर ये कंट्री हम लोग को नाइजर जो है वो देखने को मिलती है। तो यहां पर जिहादिस्ट ने जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन में कुछ मिलिटेंट्स को मारा है। मिलिटेंट्स का मतलब जैसे कि नक्सलाइट्स वगैरह होते हैं, इंसर्जेंट्स जो होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, तो उनको जो है वो मारा है। दैट्स व्हाई ये न्यूज आई थी, वो आपके लिए काम के लिए। अच्छा, ये अब ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है, एच वाई एस पी ई आर ई सी टी ओ एन पी ओ एम वाई या एम आई एस, हिस्टेरेक्टोमिक इसको हम लोग बोलते हैं, ये टर्म लिख लो, ये आ सकता है हिस्टेरेटोमिक, एम एम वाई कर देना, टॉमी, इसमें एम वाई कर देना, हिस्टेरेटोमी, एम वाई करना, हिस्टेरेक्टोमी। काफी सारे लोग जो होते हैं जिनको यूट्रस में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, तो यूट्रस जो है वो निकलवा दिया जाता है, आपको शायद पता हो, राइट? तो ये जो प्रोसीजर है ये यूट्रस के निकलवाने का प्रोसीजर, इसको बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेशली बायोलॉजी में ये लोग क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ये हिस्टेरेक्टोमी जो है वो क्या है, किससे रिलेटेड है? तो ये हेल्थ केयर फील्ड से रिलेटेड है, जब वो निकाल दिया जाता है ना ओवरी, यूट्रस जब निकाला जाता है, तो उस चीज को जो है वो, उस ऑपरेशन को रही ऑल ऑपरेशन जो है वो कहा जाता है। यस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, वेरी गुड नित्या, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को रही, सर्जिकल प्रोसीजर वोम यानी कि यूट्रस को जो है वो रिमूव करने का, ये हिस्टेरेक्टोमी, इसको जो है वो कहते हैं, ये वर्ड है, ठीक है, क्लियर? ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो एक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस हम लोग को देखने को मिल रही है, गुवाहाटी से वेस्ट बंगाल की तरफ जो है वो चलेगी, राइट? ये एक और न्यूज वंदे भारत से रिलेटेड आ रही है, एक छोटी सी जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब देखो ये न्यूज में हम लोग को जो है वो नजर आ रहा है कि मुस्लिम्स जो है ऑल ओवर कंट्री में हम देखेंगे तो मुस्लिम्स एजुकेशन में और जॉब्स में जो है वो सबसे पीछे जो है हम लोग को नजर आ रहा है, स्पेशली हायर एजुकेशन की फील्ड में। क्यों, क्या वजह हो सकती है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सबसे पीछे जो है वो चल रही है एजुकेशन के मामले में? अपना बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस जो है बढ़ा लो, हाँ 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 बट ये तो स्टीरियोटाइप आइडियोलॉजी एक प्रकार से अगर हम देखें तो, मतलब ये एक प्रथा जो है वो बना के रखी होने, तो ये गलत है ना, ये कंट्री के डेवलपमेंट के लिए गलत है कि भाई अगर जो कोई भी हो हमारी कंट्री के अंदर किसी भी, क्योंकि देखो आप आगे चल के एक ऑफिसर बनने वाले हो, आपके लिए कोई मुस्लिम नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, आपके लिए ह्यूमंस है, आपको फोकस करना है ह्यूमैनिटी के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ऑफिस में कोई मुस्लिम आया तो आप जो है उसको इल ट्रीट जो है वो कर रहे हो। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन जो है पूछे तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि नहीं, इनके डेवलपमेंट के लिए हम लोग को काम करना है। अब इसमें कॉमन मैन क्या बोलता है, कॉमन मैन बोलता है लो ये बड़ा मुस्लिम के डेवलपमेंट की जो है बात कर रहा है, गलत है ना वो, क्योंकि कॉमन मैन की थिंकिंग जो होती है वो ब्यूरोक्रेट की थिंकिंग से काफी अलग है। आप लोग सोच रहे हो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ये क्या सोचते हैं, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो सोचते हैं, जो कि टोटली जो है वो गलत है, राइट? फालतू की बात है। तो अभी ये न्यूज है जिसमें बताया जा रहा है कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो काफी पीछे, सभी जितनी भी कम्युनिटी है एजुकेशन के मामले में, हायर एजुकेशन मामले में सबसे पीछे है। अगर आप पॉलिटी एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे तो वो डिनाई करता है कि कोई रिलीजन नहीं है, कोई कल्चर नहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी को पीछे करती है। मेन चीज है सेफ्टी, वो अपनी गर्ल्स की सेफ्टी के बारे में जो है ज्यादातर जो है वो ध्यान देते हैं, सोचते हैं, इसलिए निकलने नहीं देते। और दूसरा पॉवर्टी, गरीबी, एक गरीबी भी जो है एक कारण है जिसके कारण लोग जो है वो जॉब छुड़वा देते हैं, या जॉब छोड़ो मतलब एजुकेशन जो है वो करने नहीं देते। ये एक इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा इशू जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और ये बताया जाता है कि हर पांचवा मुस्लिम स्टूडेंट जो है वो हायर एजुकेशन में जो है वो इनरोल नहीं करता, हर पांचवा मुस्लिम स्टूडेंट। इसके अलावा केरला में इनका रेट जो है वो अच्छा है मुस्लिम्स का, 43% मुस्लिम जो है वो हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है उनमें, मतलब
नहीं नहीं नित्या, पॉपुलेशन के मामले में तो गलत है ये। अब देखो क्वेश्चन आ सकता है, ये खीर भवानी मेला कहां पर लगता है? खीर भवानी मेला ये कश्मीर के अंदर जो है वो मेला लगता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये बहुत ह्यूज लेवल पर जो है ये मेला लगता है। हाँ यही है वो खीर भवानी मेला, ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है। ये हर साल एनुअल फेस्टिवल है कश्मीर का है, तो ये याद रखना फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। खीर भवानी मेला कहाँ का है? कश्मीर का है। रिपीट करो, खीर भवानी मेला कहाँ का है? कश्मीर। राइट, तो ये चीज अपन को जो है वो याद रखनी है। अब हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट गई थी दो कंट्री में, एक कंट्री का नाम है सुरीनेम और दूसरी कंट्री का नाम है सर्बिया। तो ये कंट्री जो है वो, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये सुरीनेम नाम की कंट्री जो है वो कहां पर है? साउथ अमेरिका में। और ये जो है ये कौन सा एरिया आपको नजर आ रहा है? ये सर्बिया वाला एरिया। कौन बताएगा मैप में देख के कौन सा एरिया, कौन सा कॉन्टिनेंट है? सर्बिया यूरोप है ऑब्वियसली, मेडिटेरेनियन सी आपको जो है वो नीचे दिखाई दे रही है, ऊपर यूरोप वाला एरिया इटली दिख रही है, ये ग्रीस, ये टर्की, राइट, तो यूरोप वाला एरिया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो इसरो फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने जीएसएलवी रॉकेट जो है, क्या हो रहा है यार ये, इसने जीएसएलवी रॉकेट जो है वो बेसिकली, इसका जीएसएलवी रॉकेट जो है वो नेविगेशन सैटेलाइट लेके गया। नेविगेशन सैटेलाइट का मतलब लोकेशन, हम बोलते हैं ना कि हमें गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जानी हो तो हम क्या बोलते हैं कि नेविगेट करो गाड़ी को, है ना। तो ये वाली सैटेलाइट जो है वो लेकर गया, वो हमारे लिए एक्चुअली में काम का नहीं है, बट हाँ अगर इनके क्वेश्चन आएगा तो आपको NVS-01 ध्यान में रखना है, क्योंकि स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। तो NVS-01 जो है, NVS-01 ये नेविगेशन सैटेलाइट है, राइट, इसरो की, और GSLV जो है वो लेकर गया है। एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा, PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV इसमें डिफरेंस क्या है? पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV जियो सिंक्रनस लॉन्च व्हीकल, या जियो स्टेशनरी भी होती है लॉन्च व्हीकल, तो इनमें डिफरेंस क्या है? ये आपको रहो पढ़ना है, कवर अप करना है। स्पेस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज जो है हम लोग को देखने को मिल रही है, एक नया गोवा जो है वो गोवा के जो बेसिकली नोवेल स्कीम के तहत जो है वो हम लोग को नजर आ रहा है। तो नोवेल बुक स्पॉन्सरशिप स्कीम, तो ये चीज ध्यान रखो, नोवेल बुक स्पॉन्सरशिप स्कीम, तो ये स्कीम जो है वो गोवा की है। इस स्कीम के थ्रू गोवा के जो युवा है ना, तो उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप वो जो है वो बुक्स जो है वो नई नई रिलीज करो, लॉन्च करो, नई बुक अपनी खुद की लिखो और लॉन्च करो। तो ऑथर्स को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम है, नए ऑथर्स को बनाने के लिए। क्या चीज? एमपी के लिए? क्या नहीं, बुक के लिए आप लॉन्च कर देंगे शायद, तो कर देंगे। वैसे एमपी में वैसे अभी इस तरीके की तो नहीं है कि प्रमोट करने के लिए कि लोग ऑथर जो है बुक वगैरह लिखें, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट लिखो आप, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, ये पढ़ना है आपको पॉलिटी के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी बताया जा रहा है श्रीवास्तव जो है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अभी अपॉइंट किए गए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर। तो आपको बताना है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होती क्या है, व्हाट इज CVC। आपने पॉलिटी, अभी पॉलिटी कितनी हुई आपकी यहां पर, कंप्लीट हो गई? क्या है CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? एक दिन और मैंने आपको बताया था, CBI और CVC में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? अभी ऑनलाइन आप लोग की तो करवा दी मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट्स की, CVC और CBI में क्या डिफरेंस है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, डिफरेंस यह है अपनी भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग। नहीं, CBI अलग बॉडी है, CVC अलग है। नहीं ऐसा भी नहीं, नहीं गलत, दोनों अलग हैं। हाँ वो तो
कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। और यहां पर नित्या ने भी अभी सही उत्तर नहीं दिया है। देखो सीबीआई, अच्छा पहली चीज सीबीआई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी? क्या आप ये बताओ सीबीआई संवैधानिक बॉडी है क्या? स्टैट्यूटरी भी नहीं है कोई, मतलब सीबीआई को किसी भी पर्टिकुलर कानून के थ्रू नहीं बनाया गया, और उसको पावर मिली है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से। सीबीआई को दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इस पर्टिकुलर कानून से सीबीआई को जो पावर मिली है, ना सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको किसी भी पर्टिकुलर संविधान के तहत नहीं बनाया गया, बट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो संविधानिक बॉडी है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई, इसके बारे में अच्छे से आपको बता रहा हूं। दोनों के काम सेम ही होते हैं, दोनों जो है वो करप्शन के केसेस को डील करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मतलब जांच वगैरह जो होती है दोनों ही जो है वो डील करते हैं, इसलिए दोनों के बीच में हमेशा क्लैशेस जो है वो होते हैं हमेशा, राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये कोई बॉडी नहीं है, मतलब इसको किसी पर्टिकुलर ना मतलब स्टैट्यूटरी भी एक, हाँ एजेंसी, यू कैन कॉल इट एज एन एजेंसी, एक प्रकार की एजेंसी है जो सेंटर, सेंटर के बोलने पर जो वो काम करती है, सेंटर जैसा चाहेगी वैसा वो करेगी, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, राइट। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स गलती क्यों कर रहा, पढ़ाया तो है इतना, रिवाइज करो, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन नहीं करोगे तो गेम ओवर हो जाएगा। संडे वाला दिन अपने लिए हमेशा रिवीजन का होना चाहिए कि पूरे हफ्ते भर 10 दिन में आपने जितना भी पढ़ा है पूरा रिवाइज करो, तभी एग्जाम निकलेगा। अब देखो कैग हो गया, कैग के बारे में लिख लो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, क्योंकि जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो आज की आज आपको जनरल स्टडीज में पढ़नी है, ये आपके टास्क के इतने सारे जो आज के आज कवर अप कर लोगे तो मजा आ जाएगा। आप इसके बोल रहे थे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या? नहीं, ये एक्चुअली में अपना काम सही तरीके से करते नहीं है, ये सिर्फ क्या काम करते हैं, खर्चा होने के बाद जो है वो बताते हैं कि अच्छा खर्चा हो गया और क्यों हुआ। इनका एक्चुअल में काम कंट्रोलर का होना चाहिए, ये सिर्फ ऑडिटिंग का काम करते हैं। कंट्रोलर का काम ये होता है कि पहले से पता करना खर्चा, मतलब सामने वाली जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल की कोई कॉन्ट्रेक्टर है जिसको हम जो है, या फिर कोई मिनिस्ट्री है, कोई मिनिस्ट्री जो अपने पास जो है पैसा रख रही है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो इनका काम ये होना चाहिए डिसाइड करना है कि अच्छा ये वाकई में ये प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगना है कि नहीं लगना है। बट होता क्या है, पैसा लगने के बाद जो है ये ऑडिटिंग करता है, वो फाइनेंस कमीशन बताती है, वित्तीय आयोग है, वो क्या चीज करता है, ठीक है सोचो बताना, अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, याद रखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम लोग को जो हमारे कैग देखने को मिल रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर बन गए 4 सालों के लिए, फिर से रीइलेक्ट हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे कैग जो है वो बैठेंगे ऑडिटिंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, इंडिया जो है वो आशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की महिलाओं को जो है वो ट्रेन करेगी। तो क्या है यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन, ये पढ़ा है? अरे ये सब बहुत काम की चीजें पढ़ने वाली, यही तो आता है एग्जामिनेशन में, ये लिखो, ये पढ़ना है, ये यूनाइटेड नेशन की, हाँ अब देखो मैं तो अलग से पढ़ा बता नहीं रहा, न्यूज़पेपर की चीज है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, हमारी कंट्री के अंदर जो हमारी जो फोर्सेस होती है ना, जैसे सोल्जर्स वगैरह, ये फॉरेन कंट्री में अगर कभी कुछ लोचा होता है, मतलब इन द सेंस फॉरेन फॉरेन कंट्री के अंदर कभी कोई डिजास्टर आ गया, कोई आपदा आ गई किसी प्रकार की, कोई लड़ाई झगड़े हो गए, तो ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, यानी कि मानवता की सहायता के लिए जो है वो ये सोल्जर्स जाते हैं। तो हमारी इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा सोल्जर जो है वो इसमें जाते हैं, वो यूनाइटेड नेशन नहीं, वो हमने अलग से भेजा था, वो ऑपरेशन कावेरी हमने कंडक्ट किया था, सूडान गए थे वो, याद रखना ये सब चीजें। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन पढ़ो, इनको ब्लू बेरेट्स के नाम से भी जाना जाता है, नीली कलर की टोपी पहनते हैं ये लोग सोल्जर्स। अब देखो एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% से ज्यादा चांसेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। सूफियाना मौसीकी, सूफियाना मौसीकी, पहली चीज ये क्या है, ये बेसिकली एक लोक संगीत है, फोक सॉन्ग है। सूफियाना मौसीकी क्या है, पहली चीज ये एक लोक संगीत है, डिवोशनल यानी कि धार्मिक तौर पर, धार्मिक बोलते हैं ना बट वैसा ये लोक संगीत है। सूफियाना मौसीकी पहली चीज ये पूछेंगे क्या है, ये लोक संगीत है। दूसरी चीज ये पूछेंगे कहाँ की है, तो ये कश्मीर की है, बस इतनी चीज याद रख लो, इतने छोटे से नोट्स बना लो। ठीक है,
अब देखो युगांडा कंट्री कहां पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, अफ्रीका है ना ये, हाँ। तो यहां पर बीच में युगांडा, यहीं पर ये लेक विक्टोरिया। आप देखो न्यूज क्या आ रही है युगांडा से रिलेटेड। एलजीबीटी क्यू क्या है, फुल फॉर्म बताओ इसका, फुल फॉर्म बताओ ना एलजीबीटी का, पूछेंगे एल का मतलब क्या है, हाँ वही है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। और क्यू, क्यू यू ई आर, क्वीर, क्वीर बोलते हैं, क्यू का मतलब क्यू यू ई आर। ये क्या होता है क्वीर, देखो आपको एलजीबीटी के बारे में पता है कि एलजीबीटी क्या क्या होता है, क्वीर क्या है, एक कोई भी व्यक्ति जिसको अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं है अभी कि वो कौन सा मेल है फीमेल है, वो समझ ही नहीं पा रहा बेचारा कि क्या है वो या बेचारी। तो ये है एलजीबीटी क्यू। अब युगांडा क्या बोल रहा है, युगांडा ये बोल रहा है कि जो भी इसमें उलझेगा, जो भी एलजीबीटी क्यू का होगा, उसको कैपिटल पनिशमेंट देंगे, मौत की सजा भी दे देंगे या आजीवन कारावास दे देंगे, मतलब जो भी इस कम्युनिटी का होगा उसको आजीवन कारावास, ये बोल रहा है युगांडा। बहुत ज्यादा गलत है, मानवता के अगेंस्ट है। बट युगांडा के प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट है, ये लोग युगांडा वाले लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये नेचर के अगेंस्ट है, तो हम इसको जो है वो फॉलो अप नहीं कर सकते। हमारी कंट्री में लीगल है एलजीबीटी क्यू, लीगलाइज है, मैरिज लीगल है, मैरिज नहीं है, ठीक है, मैरिज नहीं है, क्या चीज, लिव इन, हाँ लिव इन रिलेशनशिप अलाउड है, बट मैरिज इज नॉट अलाउड राइट नाउ, अभी इस पर काम जो है वो चल रहा है, ठीक है, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है युगांडा का, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब लास्ट न्यूज, अच्छा नहीं एक और, एक न्यूज और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना प्रिपेयर कर रहा है पहले सिविलियन को स्पेस में भेजेगा। आप देखो ये पहले सिविलियन का मतलब ये है कि नागरिक को, क्योंकि ये पहले अपनी आर्मी के लोगों को भेज चुका है ऑलरेडी, आर्म फोर्सेस के लोगों को भेज चुका है, बट अभी ये पहली बार आज के दिन ही ये अपने स्पेस में एक पहले सिविलियन को रहो भेजने वाला है। अब इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, टियांगोंग स्पेस स्टेशन, क्या लिखोगे, टियांगोंग स्पेस स्टेशन, ये लिख लो टियांगोंग, टी आई ए एन जी ओ एन जी, टियांगोंग स्पेस स्टेशन। क्वेश्चन आएगा ये स्पेस स्टेशन किसका है, चाइना का है। क्या होता है ये स्पेस स्टेशन, कौन बताएगा, स्टेशन है, रॉकेट भेजा गया उसमें लोग बैठे, बैठ के जो है वहां पर गए राइट, स्पेसक्राफ्ट में बैठकर लोग यहां पर गए। ये बेसिकली एक पता क्या है, ये एक आइलैंड है, ऐसा समझो कि स्पेस में एक आइलैंड है, यहां पर जाकर रिसर्च की जाती है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को मार्स में जाना है तो वो पहले यहां पर जाएगा, थोड़ी देर रुकेगा, रिसर्च करेगा, फिर वो मार्स में चला जाएगा। और यहां पर जैसे किसी को कोई डिवाइस चाहिए किसी प्रकार की, या यहां पर कुछ चीज, वो मतलब रिसर्च जो करते हैं ना स्पेस में, जितने भी साइंटिस्ट रिसर्चर, तो वो ये है यानी कि स्पेस ट्रैवलर्स, तो यहां पर जाते हैं। मतलब ये मान के चलो कि एक जगह है बहुत बड़ी सी, जिस जगह पर जाकर जो है रिसर्च जो है वो करते हैं। यूट्यूब पे देखना इसके बारे में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक वीडियो है, मजा आएगा देखकर। वहां पर पानी बताओ कैसे पीते हैं, पानी जैसे ये बॉटल जो है वो खोली, वो रहता है उनका पाउचेस होते हैं, बॉटल तो होती नहीं है, पाउचेस होते हैं, वो जैसे ही उन्हें खोले तो बबल बन जाता है और उसको वो खाते हैं, पानी पीते नहीं है, पानी खाते हैं, देखना वीडियो। हवा हवा में घूमते रहते हैं, वो मजा आता है, ऐसा लगता है कि सुपर हीरो है कोई, क्या साउथ की इसी के ऊपर थी क्या, अब देखो एक लास्ट न्यूज हमारी आज की। अब देखो ये एक टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है कि जनवरी से अप्रैल में हमारा चाइना से इंपोर्ट बढ़ गया है, क्या ये पॉजिटिव न्यूज है हमारे लिए या नेगेटिव न्यूज है, क्यों नेगेटिव है, सवाल ये है क्यों नेगेटिव है, और पॉजिटिव है तो क्यों पॉजिटिव है, हाँ क्यों, अगर सप्लाई उसके पास है तो, क्योंकि आपने बिना न्यूज को जाने ही अभी स्टेटमेंट दे दिया। कई बार ऐसा होगा आपके सामने, पूरी चीज पहले जानो उसके बाद स्टेटमेंट होगी। आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर किस चीज का इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, ये लिखना एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, क्या होते हैं ये एपीआई, कौन बताएगा, क्वेश्चन आ सकता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई इसको बोलते हैं, साइंस में क्वेश्चन आएगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स,
दवाई को बनाने के लिए जो सबसे माइक्रो मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है, इसके बिना दवाई बन नहीं सकती। तो ये दवाई को बनाने की ब्रेन से आप ये मान के चलो कि दवाइयां जो है वो इसके बिना नहीं बनेंगी। तो ये चीज हम इम्पोर्ट जो है वो करवाते हैं चाइना से। तो ऑब्वियस ही बात है कि नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हमें इस पर इम्पोर्ट नहीं करवाना चाहिए, हमारी कंट्री पे बनाने पर फोकस करना चाहिए, राइट। अब पॉजिटिव इसलिए क्योंकि हम मिनिमम कुछ ही चीजें जो है वो ज्यादा बुलवा रहे हैं, जैसे कि हम ऑटोमोबाइल्स के पार्ट के लिए जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है, बट उस पर हम लोग जो है वो ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी बोल सकते हो उसको, नेगेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर। इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स, INGREDIENTS, इंग्रेडिएंट्स, सामग्री, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, अब रेगुलर द हिंदू जो है वो हम लोग कवर अप करेंगे, हिंदू के साथ साथ कुछ समय बाद इंडियन एक्सप्रेस भी इसमें रेव बढ़ जाएगा और न्यूज बढ़ेंगी, क्योंकि इसलिए क्योंकि यूपीएससी 2020 अभी जो 3 का पेपर आया था वो उस पेपर ने क्लियरली बता दिया कि न्यूज़पेपर से ही पूरी चीजें हम आनी है और न्यूज़पेपर, बाकी दूसरे और किसी कंटेंट पर भरोसा नहीं करना है। तो हम सिर्फ न्यूज़पेपर और मैगजीन जो है वो उस पर रिलाई करेंगे और उसके नोट्स है वो आप लोग तैयार करोगे, प्लस अलग से भी मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ वो तो आपको रखना ही है। चलो अब साइन ऑफ कर रहे हैं, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।